इशू हमारा हाथ में नहीं है, हम तो विपक्ष है। अगर आप मुझे इशू नहीं देगा तो मेरा पास कोई इशू नहीं है, आप मुझे इशू देगा तो इशू होगा। भारत का तिरंगा पटाखा ना लहरे और फिलिस्तीन का पटाखा लहरे तो ये इशू बनेगा कि नहीं बनेगा? हिंदू वर्ग का साथ अगर आप मारामारी करेगा तो इशू बनेगा कि नहीं बनेगा? जो नाम वोटर लिस्ट में नहीं था वो नाम वोटर लिस्ट में आ गया है और ये एक विशेष वर्ग का नाम है, तो ये लोग कहाँ से आया? पाताल से आया कि स्वर्ग से आया? असम बंगाल हम लोग तो आधा खो चुका हूँ, अभी झारखंड भी वो लाइन में है, झारखंड में अभी भी शक्ति है अपने आप को बसाने के लिए। हमारे जब मैं झारखंड में आते हूँ जरूर सिक्योरिटी का खर्चा तो थोड़ा बहुत तो होता ही है झारखंड सरकार का, असम गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो भी खर्चा होगा असम गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगा, इसलिए मेरा सिक्योरिटी का जिम्मेदारी असम गवर्नमेंट का ही उठाना है। इसीलिए देखिए मैं जहाँ भी जाऊँ, जैसे आज राहुल गांधी घूमते हैं देश भर राजनीति के लिए, तो राहुल गांधी का खर्चा कौन उठाता है? आप जेएमएम को पूछिए। जब हेमंत सोरेन जी सीएम नहीं था बीच में 10 दिन, उनका जो सिक्योरिटी था वो कौन उठाया खर्चा? तो ऐसा अगर अवास्तविक कोई प्रश्न करता है तो उनका क्या उत्तर है आप बताइए? आज जब प्रियंका गांधी देश में घूमता है उनका पीछे सिक्योरिटी जाते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो दूसरा, देखिए हम तो यहाँ मेहमान का नाते आया हूँ तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, मैं मेहमान को क्यों कस दूँ? मैं रात में कोशिश करूँगा, मैं तो अभी हजारीबाग जा रहा हूँ, रात में अगर समय होगा तो मैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाऊँगा, और अगर रात में मैं आने में लेट होते हैं तो सुबह मैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए आऊँगा। मेरा यही सलाह है, हर स्टेट में ऐसा समस्या है लेकिन हर समस्या का समाधान थ्रू डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन से ही सब समस्या का हल निकालना चाहिए। देखिए जो इशू स्टेट गवर्नमेंट का विचारधारा में आते हैं वो हमारे मुद्दे हैं, पार्लियामेंट चुनाव में पार्लियामेंट का मुद्दा होता है, स्टेट का पहला मुद्दा तो यही होता है कि आपने लास्ट चुनाव में क्या क्या वादा किया था। फिर ये हमारा जिम्मेदारी होता है विपक्ष होने का नाते कि आपने जो वादा किया है वो वादा निभाया कि नहीं निभाया। आज जैसे सहायक पुलिसकर्मी, अगर आप नहीं बोलते थे कि मैं उनको परमानेंट करूंगा तो वो इशू नहीं बनता था, आपने बोला था कि हम सहायक पुलिस कर्मचारी को सरकार में आने से हम रेगुलराइज करूंगा। अगर ये आपका ही वादा है तो आपका वादा आपको पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपने बोला है कि हम खटाखट 8,500 रुपया दूंगा तो आपको देना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर अगर झारखंड में मोहर्रम का दिन भारत का तिरंगा पटाखा ना लहरे और फिलिस्तीन का पटाखा लहरे तो ये इशू बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपका मोहर्रम का प्रोसेशन में लोग बताए हुआ रोड डाइवर्ट करके हिंदू वर्ग का साथ अगर आप मारामारी करेगा तो इशू बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इशू हमारा हाथ में नहीं, हम तो विपक्ष है, अगर आप मुझे इशू नहीं देगा तो मेरा पास कोई इशू नहीं है, आप मुझे इशू देगा तो इशू होगा। देखिए घुसपैठ नहीं है,
लेकिन क्या संथाल परगना का वोटर लिस्ट में यही लोगों का नाम 2019 में था? अभी रामनगर में हमारा उजा जी ने, शायद आप लोग का साथ भी बातचीत किया है, जो नाम वोटर लिस्ट में नहीं था वो नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, और ये एक विशेष वर्ग का नाम है। तो ये लोग कहाँ से आया, पाताल से आया कि स्वर्ग से आया, इसका तो जांच झारखंड सरकार को तो करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए। तो आज ये समस्या जो है, आज संथाल में है, कल छोटा नागपुर में हो जाएगा, कल बाकी मंडल में भी होगा। अभी झारखंड परसों दिन में मैं एक इंग्लिश चैनल में बोला हूँ, असम बंगाल हम लोग तो आधा खो चुका हूँ, अभी झारखंड भी ऑल लाइन में है। झारखंड में अभी भी शक्ति है अपने आप को बसाने के लिए, किसलिए ये शुरू हुआ है। आप लोगों को अपना प्रदेश को बसा लेना चाहिए, नहीं तो मेरा हालत हो जाएगा।